उसके फैमिली में बड़े नामी गिरामी लोग थे जो क्रिकेट से वंचित थे। जब वो क्रिकेट खेलने के लिए ट्रायल देने गया तो उसको कहा गया कि तुम नहीं खेल सकते, ये कोशिश छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बॉलिंग में उसको फेल कर दिया गया, बैटिंग में उसको फेल कर दिया गया और उसके हौसले बड़े पस्त किए गए। लेकिन बाज लोग हार से और उनकी जो स्पिरिट है और हाई हो जाती है, वो हार को अपनी मंजिल नहीं समझते और वो समझते कामयाबी की पहली सीढ़ी है, जहाँ पे उनको डिस्करेज किया जाता है, हराया जाता है। वहां से उन्होंने अपनी हार को तस्लीम ना किया, मुसलसल जदोजहद से क्रिकेट की मैदान में ना सिर्फ अपने आप को मनवाया, दुनिया में अपना नाम पैदा किया। उसी लड़के ने एक ख्वाब देखा कि आओ एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए। जब उसकी वालदा को कैंसर हुआ और उसने वो तो अफोर्ड कर सकता था, यूके से इलाज करवाया, लेकिन अपनी माँ की जो तकलीफ देखी और दर्द देखा और ये सोचा कि मेरे पास तो इतनी है कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन हमारी कितनी माएँ, कितने बच्चे, कितनी बहनें, कितने लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करना चाहिए। फिर उसने ख्वाब देखा एक हॉस्पिटल बनाने का, कैंसर हॉस्पिटल। दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 80% लोगों को फ्री इलाज मुहैया की जाए। बड़े बड़े लोग बैठे, गोरे यूके के लोग बैठे, यूएसए के लोग बैठे और उन सब ने कहा ये एक दीवाने का ख्वाब है और कुछ नहीं। हमारे मुल्कों में भी हम 80% पे कभी भी कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं चला सकते। वहां भी वो मायूस होकर वो टीम उसका साथ छोड़ गई। उसने कहा ये तो होगा और मैं करके दिखाऊंगा, और फिर उसने ये करके दिखाया। इसी तरह एक पसमानदा इलाका मियांवाली में उसने देखा कि वहाँ के बच्चों को वो फैसिलिटी, वो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी हासिल नहीं है जहाँ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम हासिल कर सके। दीवाना तो था ही, ये भी ठान लिया और वहाँ पे यूनिवर्सिटी का ख्वाब जो शुरू किया और वहाँ पे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री वहाँ के बच्चों को एक पैसा खर्च किए बगैर, जो कि 65 लाख में अगर आप बच्चों को पढ़ाएं भी यूके से तो वो ऑलमोस्ट अब तो ज़्यादा हो गया होगा, इतने में पढ़ती थी। ये ख्वाब भी उसने पूरा कर लिया। फिर एक दिन उसने सोचा कि चलें मुल्क में बड़े मसले हैं, सियासत में कदम रखा जाए। फिर उसने एक पार्टी बनाई, वहाँ इधर से तक लोग उसकी पार्टी में शामिल ही नहीं होते थे, कहते थे टांगा पार्टी है, क्या करना है, ये क्रिकेट ही खेलना है यार, इसका क्या काम है सियासत में, ये तो सियासतदान है ही नहीं, इसको तो सियासत करनी आती नहीं है। उसने 22-23 साल की स्ट्रगल की, अपना आप मनवाया, लोगों को वो शऊर दिया और वो विजन दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो इमरान खान है। और मुझे फख्र है मैं उस कप्तान की साथी हूँ जो उसके बुरे वक्तों में उसके साथ चली, जिसने कोई धरना, जिसने बाजू तोड़वाया, उसके साथ 126 दिन का धरना गुजारा वजीरिस्तान की, कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं थी, क्योंकि मेरी भी अपनी एक स्टोरी थी। हम जितने भी जुनूनी लोग होते हैं ना, जिस तरह के जो करने की ठान लेते हैं और कर लेते हैं, मेरा भी केस कुछ इस तरह का ही केस था। मेरा केस भी मेडिकल हिस्ट्री का एक अजूबा था। मैं दो बार मैं मेडिकली डेथ डिक्लेयर हो गई, मैंने जनाजे की चारपाई से मुझे मेरे वालिद साहब उठा के भाग गए और बहरहाल वो फिर दोबारा अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी मिलाया। मेरी 6 मेजर सर्जरीज हुई, मेरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियल था, मेरी डॉक्टर्स ने कहा कि सारी ज़िंदगी कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती, एक जगह पड़ी रहेगी कहीं, नॉर्मल खा नहीं सकती, नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं कर सकेगी, शादी बच्चे की चीज़ें तो भूल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और इसी जनून से कि जिस अल्लाह ने मुझे बार बार वापस भेजा, तो कोई मकसद तो था ना, कोई मिशन तो था, ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ताला ने तो एक चूंटी और एक मक्खी भी मैं मकसद नहीं बनाई, तो मुझे भी कोई मुकाम तो लेना चाहता है ना, और कुछ तो मुझसे वो चाहता है जो लेना चाहता।
बहरहाल मिशन में आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहते थे कि नॉर्मल काम नहीं कर सकती, वाकई मैं नॉर्मल लोगों जैसे काम नहीं करती, मैं 10 लोगों जितना काम करती हूँ। मैं दुनिया का हर कंगला खा लेती हूँ। अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत उलाद से लेके जो चैलेंजेस किए थे मेडिकल साइंस ने मुझे, वो मुझे अल्लाह ने दिया। इस तमाम चीज़ों का मुहर्रक क्या था? अल्लाह ताला पे यकीन, उम्मीद, कभी हार ना मानना और अपने मिशन को सामने रखते हुए उसके लिए कोशिश करना हमारा काम है। कामयाबी देना मेरे रब का काम। तो नौजवानों से जो वादा इमरान खान ने किया था, उसकी पूरी जिंदगी आपके सामने है, जो उसने जाती तौर पे करके दिखाया, और वही वो नौजवानों से मुखातिब हमेशा हुआ है। उसने बात ही नौजवानों की और नौजवानों से जो वादा किया था कि उसको ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि जिसमें से वो अपने मकसद को ढूंढ सके, और सिर्फ डिग्रियां हासिल करके नौकरियां ढूंढना वो मकसद नहीं है आपका। आप ताकत है, ताकत का सर चश्मा है आपके हाथ में। अल्लाह ने बहुत कुछ लिखा है इस हाथों, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी उम्मीद से, अपनी फिक्र से और अपने जज्बे से आप सब अचीव कर सकते हैं। कोई रास्ते हो, इल्म उसका बेहतरीन रास्ता है। टेक्निकल एजुकेशन, आज जो आपका जिस तरफ एजुकेशन जारी है, जिस हाईटेक तरफ, वहाँ पे वो आपको मौका फराहम किया गया। उससे जैसे अभी हमारे बच्चे ने जो कामयाब हुआ और सीखा, और माशाल्लाह आज वो खुद इस पोजीशन में है कि चार लोगों को रख सके, तो आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना हमारा वादा था। और ना सिर्फ ये, अभी तो बहुत बड़ा आसमान है, आप इकबाल के शाहीन हैं, आपकी जो मंजिल है ना वो बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब उस विजन पे जिससे नौजवानों को उन्होंने मुतहद किया था, जो वादे किए थे। आज आपका वो जज्बा दरकार है, वो वतन से मोहब्बत दरकार है, वो अपनी पुरखलूस होना और अपने इरादे की मजबूती दरकार है, और इंशाअल्लाह मंजिल आपके भी कदमों पे होगी। हार नहीं मारना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कायम रखे। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप हमारी लीडरशिप हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।